कार्यक्रम के बारे में यहाँ पूछा हमने टाइमिंग पूछा कि आप टाइमिंग बताइए, तो हमारे पीए हमारी बहन को गाली देने का काम किया गया श्याम रजक ने। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हंगामा, आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव और श्याम रजक में भिड़ंत, कार्यकारिणी बैठक बीच में छोड़कर निकले तेज प्रताप। दिल्ली में यूं तो राष्ट्रीय जनता दल ने कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए बुलाई थी, लेकिन आरजेडी की बैठक में कोई बवाल ना हो, कोई हंगामा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही हुआ दिल्ली की आरजेडी की बैठक में, जब बीच बैठक को छोड़कर तेज प्रताप यादव बाहर निकले और आरोप पार्टी के महासचिव पर गंभीर लगा दिए। तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी के नेता श्याम रजक ने उन्हें बहन और पीआरओ को गाली दी है, ऐसे में वो बैठक छोड़कर जा रहे हैं, यहाँ कोई गाली सुनने के लिए नहीं बैठेगा। श्याम रजक ने हमें गंदी गंदी गालियाँ दी, जब हमने कल कार्यक्रम के बारे में यहाँ पूछा हमने टाइमिंग पूछा कि आप टाइमिंग बताइए, तो हमारे पीए को हमारी बहन को गाली देने का काम किया श्याम रजक ने। वो ऑडियो भी है जो कि हम अपने पेज से डालेंगे और पूरी बिहार की जनता को सुनाएंगे। ऐसे आरएसएससी को, ऐसे भाजपाइयों को संगठन से बात किया। हमने समय पूछा, हमने टाइमिंग पूछा, इसने हमको गाली दी। जगदानंद सिंह भी नहीं है, कोई गाली सुनने के लिए यहाँ बैठेगा क्या? किसने गाली दिया? किसने? श्याम रजक ने मुझे गाली। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम की जानकारी के लिए तेज प्रताप के पीआरओ ने श्याम रजक को फोन किया था, जिसके बाद श्याम रजक ने पीआरओ को कार्यक्रम के बारे में जानकारी देने से इनकार करते हुए भड़क गए। साथ ही उन्होंने कुछ गालियां भी दी और कहा कि हम लोग मंत्री थे तो सीधे बात करते थे, अब पीआरओ बात करता है। बातचीत की रिकॉर्डिंग भी तेज प्रताप यादव ने सार्वजनिक करने की बात कही। वहीं श्याम रजक ने इस मामले में कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि समर्थ को ना हो दोष गोसाई, जो समर्थवान व्यक्ति होता है उसको कुछ भी कहने का अधिकार होता है। मैं दलित समाज से हूँ, दलित बंधुआ मजदूर होता है, मैं बंधुआ मजदूर हूँ। वे जो भी कह रहे हैं सामर्थ्य के आधार पर कह रहे हैं। तमाम मुद्दों के बावजूद जो तेज प्रताप यादव ने जिस तरह के आरोप आपके ऊपर लगाए थे, अब आपने उन्हें गाली दी है, क्या कहना है इस पर? मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है, एक ही समर्थ के न कोई दोष को सही। जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होता है उसको कुछ भी कहने का अधिकार है। मैं एक दलित समाज से, मेरा भतीजा टेत कर, मैं ऐसे ही दुखी हूँ। मैं दलित समुदाय से हूँ, दलित तो बंधुआ मजदूर होता है, लेकिन बंधुआ मजदूर भी तो सामर्थ्यवान है, जो भी कुछ कह रहे हैं वो सामर्थ्य के आधार पर कह रहे हैं। इसके अलावा आरजेडी की ये बैठक पार्टी प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद सिंह की वजह से भी चर्चा में रही, क्योंकि वो बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि उनके बेटे विधायक सुधाकर सिंह जरूर पहुंचे। सुधाकर ने हाल ही में नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। वहीं दो दिवसीय बैठक के पहले ही आरजेडी ने सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष के लिए लालू प्रसाद यादव को नामित करके 12वीं बार अध्यक्ष चुना, लेकिन ये बैठक भी पार्टी के अंदरूनी उठापटक के बीच चर्चा में रही। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।